डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं आज क्लास नाइन्थ के सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 4.1.4 तक की चीजों को कंप्लीट कर लिया था। पिछले क्लास में हम लोगों ने रेशनल और इरेशनल का सम क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है, डिवाइड क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ हम लोगों ने फार्मूला भी पढ़ा था। अब आइए हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.5 को डिस्कस करते हैं। अब इस एक्सरसाइज में पहला जो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप क्लासिफाई कीजिए। क्लासिफाई का मतलब वर्गीकरण कीजिए, आप बांटिए कि कौन रेशनल नंबर है, कौन इरेशनल नंबर है। जरा फिर से बताते हैं, पहला जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वो ये कि आपको चुनना है कि कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। और रेशनल के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि जिसे P बटा Q के रूप में लिखते हैं वो क्या कहलाता है, रेशनल कहलाता है। और जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, या फिर ये बोले कि जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलता है उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। अब हम लोगों को यही सवाल दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.5 के पहला क्वेश्चन में। टोटल पांच क्वेश्चन है। अब इस पांच क्वेश्चन को देखकर आपको बताना है कि कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं 2 - √5। देख पा रहे होंगे आप, तो पहला में आप देखिए अच्छे से, तो ये जो सवाल है ये 2 क्या है, तो 2 को तो लिख सकते हैं 2/1, यानी 2 एक रेशनल नंबर है और √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम लोग पिछले दिन पढ़े कि रेशनल में से अगर इरेशनल को घटाया जाए, समझ में आ रहा है, रेशनल को अगर इरेशनल में, रेशनल को इरेशनल में घटाया जाए, घटाओ रेशनल माइनस इरेशनल, क्योंकि इसका तो पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जब रेशनल में से इरेशनल को घटाते हैं तो क्या बनता है, वो इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से पहला जो हो गया वो इरेशनल नंबर हो गया। फिर अगला अगर डिस्कस करते हैं तो पहले जो कुछ भी सवाल दिया रहेगा उसको ध्यान से देखना है कि क्या इसे सॉल्यूशन किया जा सकता है, इसे हल किया जा सकता है। इसे अगर हल किया जा सकता है तो आप इन चीजों को हल कर लीजिए, सॉल्यूशन कर लीजिए। कैसे, 3 + √23 है, तो 3 + √23, और ये माइनस में √23 है। ऐसा करने से √23 + √23 - कट गया, सिर्फ क्या बचा 3, और 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं। इसलिए जो दूसरा सवाल हुआ वो कौन सा नंबर हुआ, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है, यानी दूसरा रेशनल हो गया। चलिए तीसरा सवाल को देखते हैं। तीसरा वाला में भी हमें जो सॉल्यूशन करना है उसका वैल्यू निकालना है। अगर वैल्यू संभव है, सॉल्यूशन हो रहा है, तो आप इन चीजों का सॉल्यूशन कर लीजिए। आप देख पा रहे होंगे कि तीसरा सवाल में √7 √7 कट आउट हो रहा है, और √7 √7 अगर कट रहा है तो बच क्या रहा है, 2/7। तो 2/7 किस रूप में है, तो P/Q के रूप में है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे क्या कि ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। हमको यही बोल रहा था कि आप चुनिए कि कौन रेशनल है और कौन इरेशनल नंबर है। जरा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, तो 1/√7 है, 1/√7। आप देख पा रहे होंगे 1 जो होता है इसको तो सबसे पहले सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता। जब सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 जो है रेशनल है और √7, तो √7 यानी 7 का तो पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो ऊपर रेशनल है और नीचे इरेशनल है, तो रेशनल और इरेशनल का डिवाइड हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। इसलिए जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हम आपको जब इरेशनल नंबर पढ़ा रहे थे उस टाइम भी बताए थे
कि पाई जो होता है एक इरेशनल नंबर होता है। पाई जो है क्या है? इरेशनल नंबर है। और जब इरेशनल में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 क्या है? 2 एक रेशनल नंबर है और पाई एक इरेशनल नंबर है। तो जब रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बनेगा? तो आपको पता है कि रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई इरेशनल बनता है। तो इस तरीके से हम लोग चुन लेंगे कि पहला का जो क्वेश्चन था कौन रेशनल था और कौन इरेशनल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है आप सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई का मतलब होता है सॉल्यूशन करो, उसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका दूसरा का पहला, 3+√3 और इनटू में 2+√2। तो इसको करते कैसे हैं? हम सीखे भी हुए हैं फार्मूला में कि अगर आप इन चीजों को गौर से देखिए कि अगर a+b अगर ब्रैकेट में होता है, c+d अगर ब्रैकेट में होता है, तो इसको लिखने का जो तरीका होना चाहिए, पहले आप a को लिखिए, यहाँ पे a को लिख दिए। अब a को लिखने के बाद इस c+d को पूरा उतारिए, c+d पूरा उतर गया। फिर आप b को यहाँ पे लिखिए +b, ठीक है। अब +b लिखने के बाद c+d को पूरा उतारिए, ठीक है। यानी कि a का a छोड़ देंगे और c+d को पूरा लिखेंगे, फिर b का b लिखेंगे और c+d को पूरा लिखेंगे। इतना लिख सकते हैं अगर ऐसा कुछ रहे तब। और फिर a को हम लोग बारी बारी से c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ac, और इसी a को d से भी करेंगे, तो यहाँ प्लस तो ad। उसी तरीके से b को c से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा bc, और b को d से गुना करते हैं तो यहाँ हो जाएगा bd, ठीक है। तो ऐसे ही काम हम लोग यहाँ पे भी करते हैं। तो 3 पहले लिख लिए और फिर इसको यहाँ पे उतार दिए 2+√2, फिर √3 को लिखे, √3 को यहाँ क्या लिख दिए 2+√2, इधर फार्मूला है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 से 2 से करेंगे, तो 3 × 2 = 6। 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2। अब √3 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा 2√3, और √3 को √2 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा √6। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों का आंसर यही हो जाएगा, कितना, तो 6 यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एड वगैरह नहीं हो सकता है, क्योंकि सब अलग अलग तरह का टर्म्स है। अगर √2 रहता और यहाँ पे भी √2 रहता तब हम लोग ऐड या सबस्ट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है तो इतना ही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 3+√3 और 3-√3। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे सवाल दे दिया 3-√3, तो ये तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से भी कर सकते हैं। कल हम लोग फार्मूला पढ़े थे a+√b और a- अगर √b रहेगा तब हम इसको लिख सकते हैं a²-b, ये फार्मूला है, ठीक है। तो इसको हम लोग a+√b है और a-√b है, तो a² कीजिए, a² का मतलब 3 और 3 रहता है तो 3 का स्क्वायर। फिर माइनस करना होता है माइनस, तो रूट के अंदर जो b है वही लिखा जाता है, तो रूट के अंदर 3 है तो 3 लिख देंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, और 9 में से 3 को घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा 6। तो इस तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन को ऐसे सॉल्यूशन कर सकते हैं जो एक फार्मूला पे था। अगर मान लिया कि फार्मूला आप भूल गए हो तब कैसे करेंगे, तो फार्मूला जब भूल गए तो इसका दूसरा मेथड भी है, इसको बोलते हैं सेकेंड मेथड से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, सेकेंड मेथड। अभी जैसा बताएं आप वैसा ही काम कीजिए, पहले आप 3 को लिख दीजिए और फिर बाद वाला को उतार दीजिए, ठीक है। फिर √3 को लिखिए, फिर बाद वाला को उतार दीजिए, ठीक है। अब इसको गुणा कीजिए, 3 × 3 = 9, प्लस यहां है यहां माइनस, तो प्लस माइनस। 3 को √3 से गुणा कीजिए तो 3√3।
अब इसको यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस देंगे, थ्री को रूट थ्री से गुना कर देंगे, थ्री रूट थ्री, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस और रूट थ्री मिलकर क्या कितना होगा, तो थ्री होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स अगर रहता है तो सिर्फ एक्स लिखते हैं, या फिर रूट तीन रहेगा उसी तरीके से रूट तीन रहेगा तो इसको कितना लिखते हैं, तीन लिखते हैं, उसी तरीके से यहाँ तीन लिख दिया। आप देख पा रहे होंगे थ्री रूट थ्री प्लस में है, थ्री रूट थ्री माइनस में है, कट जाएगा और नौ और माइनस तीन बच जाएगा, तो यहाँ छह आंसर कर देंगे। अगर आप ये फार्मूला भूल भी जाते हैं तो ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए कि अगर इनटू में रहता है तो हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही तोड़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा का ये दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा का हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा का तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, रूट फाइव प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, रूट फाइव प्लस रूट टू का होल स्क्वायर। देखिए ये किस फार्मूला पे है, तो ये फार्मूला पे है, हम लोग कल पढ़े थे कि रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, आपको याद होना चाहिए फार्मूला ये सब सारा, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर क्या फार्मूला पढ़े थे कि ए लिखिए प्लस टू में रूट में ए कीजिए, फिर रूट में बी लिखिए, फिर प्लस में बी कर दीजिए, ऐसा हम लोग लिखे हुए थे। तो यहाँ रूट के अंदर ए है तो ए लिखना है, तो रूट के अंदर पांच है तो पांच लिख दिया, प्लस दो लगाना है फॉर्मूला में, दो लगा दिया, फिर रूट ए का रूट ए लिखना है, तो रूट ए का मतलब रूट पांच इंटू रूट टू को रूट टू लिख दिए, फिर प्लस बी लिखना है तो डी के जगह पे टू, तो फाइव और टू को ऐड कीजिए तो कितना बच जाएगा सेवन, और प्लस टू, और रूट के अंदर जब अलग अलग होता है मल्टीप्लाई में तो इसको गुना कर देते हैं तो रूट कितना हो जाएगा टेन। तो इस तरीके से दूसरा का जो तीसरा आंसर आएगा वो कितना आएगा सेवन प्लस टू रूट टेन, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब दूसरा का चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा का चौथा क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। तो दूसरा का जो चौथा क्वेश्चन है वो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा का फोर्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है रूट फाइव माइनस रूट टू और रूट फाइव प्लस रूट टू, रूट फाइव माइनस रूट टू, रूट फाइव प्लस रूट टू, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है कि रूट ए माइनस रूट बी और रूट ए प्लस रूट बी, ये फार्मूला होता है डायरेक्ट ए में से बी को घटा देना होता है, ठीक है, यानी कि ये फार्मूला होता है कब, जब रूट ए और रूट बी रहता है प्लस और माइनस में रहे, कोई जरूरी नहीं है, अगर ये प्लस वाला पहले होता और ये माइनस वाला बाद में होता फिर भी हम लोग ए माइनस बी ही लिखते, ऐसा रूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी का फार्मूला क्या है ए माइनस बी, तो यहाँ ए के जगह पे कितना है, ए के जगह पे पांच है, माइनस फार्मूला पे करेंगे तो रूट टू है तो रूट के अंदर में बी है तो यहाँ पे खाली बी लिखना है, तो बी की जगह पे कितना है टू, और फाइव में से टू गया तो आंसर लिख देंगे थ्री। तो इस तरीके से दूसरा का जो चार क्वेश्चन था उसको हमें सॉल्यूशन करना था, या फिर हम अभी एक और ट्रिक बताए हैं कि रूट फाइव को रूट फाइव लिख लीजिए और फिर बाद वाला को दोनों लिख दीजिए, फिर माइनस रूट टू है तो माइनस रूट टू लिखिए फिर इसको लिख दीजिए, तो वैसे सिचुएशन से भी वैसे करके भी हम इसका आंसर लाएंगे तो दोनों ही सिचुएशन में हमें सेम आंसर मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का हो गया, अब आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है जरा उसको देखते हैं, तीसरा नंबर जरा पढ़िए क्वेश्चन अगर आपके पास बुक होगा तो। Recall, pi is defined as the ratio of circumference of circle to its diameter. That is, pi is equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? बोल रहा है सवाल में कि आपको पता होना चाहिए सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या होता है और सर्किल का डायमीटर क्या होता है। आपको तीसरा सवाल में जो सॉल्यूशन करना है उसके बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए कि जो सर्किल होता है
सर्किल का डायमीटर किसको कहते हैं? तो सर्किल के सेंटर से जो लाइन पास करता है, सर्किल के सेंटर से, उसको हम लोग डायमीटर कहते हैं, इसको डायमीटर कहते हैं। लेकिन अगर किसी पॉइंट से अगर कोई चलता है और वो एक चक्कर लगाता है, इसको हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, फार्मूला याद होना चाहिए, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है? तो सर्किल का जो सरकमफेरेंस होता है उसका फार्मूला होता है 2πr। कब? जब इसका रेडियस r रहेगा, यानी कि जब इसका रेडियस r होता है तो सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है? 2πr। एंड डायमीटर ऑफ सर्किल, डायमीटर क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो डायमीटर होता है किसी भी सर्किल का वो रेडियस का डबल होता है, रेडियस का डबल होता है। कौन? डायमीटर। तो यहां पे रेडियस r है तो डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, मतलब कि 2r। अब यहां पे जो बोल रहे हैं ना, आपको प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं ना है, कोई गलत बात तो नहीं ना है। क्या प्रूफ करना है? यू बोले तो प्रूफ आपको करना है पाई इज इक्वल टू सी बटा में डी, जहां पे सी क्या है तो सरकमफेरेंस और डी क्या है तो डायमीटर, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि जो पाई का वैल्यू होगा वो सी बटा डी के इक्वल होगा। तो सबसे पहले आप सी बाय डी निकालिए, तो यहां पे लिखिएगा उसके नीचे कि रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ सर्किल इज, यानी कि सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? तो सी बाय डी, यही ना होगा। और C के जगह पे कितना रखेंगे फार्मूला? 2πr, तो यहां हो जाएगा 2πr बटा, और नीचे लिख देंगे 2r, तो यहां r से r कटा, 2 से 2 कटा, कितना आया? पाई। वेयर पाई इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि हम लोगों का पाई तो आ गया, C बाय डी से हम लोगों को पाई आना चाहिए था, पाई आ भी गया, और पाई एक क्या है? इरेशनल नंबर है। तो ये सवाल था, ये बोल रहा था कि किसी भी सर्किल में जो सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो पाई होता है क्या? तो लिख दीजिएगा कि यस, आप प्रूफ भी कर दिए इन चीजों को। उसके बाद बोल रहा था कि वेयर पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस किए एक्सरसाइज 1.5 का, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर तक के डिस्कस किए हैं स्टूडेंट्स। आज की क्लास को यहीं तक स्टॉप कीजिए, फिर अगले क्लास में एक्सरसाइज 1.5 का 3rd नंबर से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो सॉरी 4th नंबर से, क्योंकि 3rd नंबर तक तो आज कर लिए, 4th नंबर से अगले दिन डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।